हंदवाड़ा मुठभेड़ के दो दिन बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को भारत में दाखिल कराने के अपने सीमित एजेंडे पर ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने की नीति को नहीं छोड़ता तब तक हम जवाब देते रहेंगे। जनरल नरवणे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं के पता चलता है कि यह एक वैश्विक जोखिम है। वहां रहने वाले निर्दोष नागरिक इसका निशाना बन रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लोहा लेगी। हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए 5 सुरक्षा कर्मियों के बारे में उन्होंने कहा कि हमें उन पर गर्व है। उन्होंने उत्तरी कश्मीर इलाके के एक गांव में आतंकवादियों से नागरिकों को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जनरल ने विशेष रूप से कर्नल आशुतोष शर्मा की सराहना की जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया था। दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान समेत लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि पाकिस्तान को उन सभी इलाकों को तुरंत खाली करना चाहिए जिन पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने आदेश में 2018 के गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन की इजाज़त दे दी ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराए जा सके। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी किया और तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध कब्जे को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले 7 दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।